अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ आप अपने घरों में खुश होंगे। ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये कार्डिगन पूरा बनाना सिखाया था और वीडियो अपलोड की थी, अब उसी के साथ मैचिंग मैंने ये टोपी बनाई है। ये मैंने एक साल के बच्चे का बनाया है और ये टोपी भी एक साल के बच्चे की पूरी होगी। ये काफ़ी ऐसे खोलो तो फ्लेक्सिबल होती है, फिर भी अगर आपके बच्चे का हेड बड़ा है तो आप इसमें छः खाने, जब मैं आपको सिखाऊंगी तो छः फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा अगर आपके बच्चे, वरना ये एक साल के बच्चे के लिए वैसे ठीक होगी। ये देखें, चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें पूरा बना दिखाती हूँ ऐसे। और ये पॉम पॉम जरूरी नहीं है, अगर आपका, मुझे तो बच्चों के लगे अच्छे लगते हैं, अगर आप लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, हाँ एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो देखनी है तो उसका तरीका ये है। जैसे ये मैंने अपना लैपटॉप लिया है, ठीक, उस लैपटॉप में मेरी ये वाली वीडियो जो अपलोड हुई वो आई हुई है, ठीक। आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे और साइट पे ये दूसरी भी आई होती है, करते हैं ना आप, जो मेरा चैनल का ही यहाँ एन के सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर आप इस एन के सिलेक्शन को अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हो या कहीं भी हो देख रहे हो तो उसको, जहाँ मेरा ये एन के सिलेक्शन ये लिखा होता है, आप उसको जब दबाओगे तो ये मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक। एन के सिलेक्शन में इसमें ये मेरी वीडियो इस जो ये जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो आ जाएंगी। आप ये वीडियो पे जाओगे, ये वीडियो को दबाओगे तो ये देखें जितनी मैंने इसको, अभी मैंने ये वीडियो अपलोड की, ये की जितनी भी आपने इसको मैं ऊपर से लाइट बंद करती ये लाइट मैंने बंद की, ऊपर लाइट आ रही थी, जितनी मैंने वीडियो ये देखें अपलोड की वो सारी ऐसे आप इसको देखते जाओ। अब तक की इतनी मेरी, ये मैंने टोपी, ये मैंने पूरा सेट एक गर्ल के लिए बनाया था तो अब मैंने बॉय के लिए बनाया, ये मेरी टोपी लेडीज़ की, ये सारा सेट मैंने बॉय का एक बनाया, शूज़ उसकी पैंट और जो पजामा, ये टोपी, ये उसकी कार्डिगन, ये फिर मैंने एक गर्ल का सेट, ये सारे जितने मैंने ये सेट बनाए हुए अभी तक, ये मैंने क्रोशिया से बेबी ब्लैंकेट, फिर ये सारे एक छोटे न्यू बॉर्न के लिए मैंने पूरा सेट बनाया था, ये आप सारे देख सकोगे, ठीक है। और ये भी मेरे बेबी ब्लैंकेट है क्रोशिया के साथ, जितनी ये एक और सेट ये जितनी आपने मेरी वीडियो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बताना था, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो फिर मुझे कमेंट्स आता है कि आप मुझे इसका लिंक भेज दें, ये अगर मैंने टोपी बनाई है और ये मैंने आपको दिखाया है तो कोई ना कोई ये कमेंट करेगा कि आप इसका लिंक भेज दें, तो लिंक के मैंने बताया कि जहाँ भी है मेरा एन के सिलेक्शन लिखा होगा आप उसको प्रेस करें, मेरा पूरा चैनल आपके आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो चले हम ये टोपी बनाना सीखते हैं। इसको इतना बना के रखा हुआ है, इस पर मैंने 80 स्टिच डाले हैं, डालने के बाद इतना बॉर्डर बनाया, कितने इंच का बॉर्डर है ये नियर 1.5 इंच का बॉर्डर आप बोल ले, 1.5 इंच का तकरीबन ये बॉर्डर है, दो से ज़्यादा थोड़ा सा है और बाकी मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक। सबसे पहले मैं बताती हूँ बॉर्डर कैसे बनाया, उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन सिखाती हूँ। सैम्पल के तौर पे 20 स्टिच डाल लेती हूँ। ये मैंने दोहरा डबल धागा लिया है, यहाँ भी मैंने डबल धागे से बनाए हैं ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन में हो और जान में हो बच्चे के सर पर पहनने के लिए। ये मैंने डबल धागा कर लिया, करने के बाद उसके उसी तरह मैंने उसको स्टिच डालने हैं, जैसे ऐसे करने के बाद मैंने इसको ऐसे डाल के इसको पकड़ लिया, फिर जब दूसरा डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा सिलाई मैंने छोटी ली है, ये ऐसे दूसरे को बस, अब ये दो स्टिच हो गए, अब मैं इसी तरह बाकी डाल लूँगी, तो 3 4 5
6 7 8, ये थोड़ा सा ना यहाँ मोटा बनता है ऐसे, 8 17 18 19 एंड 20। बहुत टाइट हाथ भी नहीं रखना और बहुत लूज भी नहीं रखना, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा हो गया इसको मैंने कहा। ये मैंने टोटल 20 स्टिच डाल लिए और इस टोपी में मैंने 18 स्टिच डाले हुए हैं, ठीक सॉरी 80। अभी हम इसका बॉर्डर शुरू करते हैं। बॉर्डर मैंने ऐसे एक पहली सिलाई तो मैं एक सीधा एक उल्टा ऐसे बना लेती हूँ, ठीक, एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा। ठीक, ये मेरी एक सिलाई डल गई और ये देखें ये रिज आपको मोटी मोटी सी ये फ्रंट है, ठीक। अब हमने नेक्स्ट सिलाई पे ये करना है, ये जो मेरा फेवरेट बॉर्डर है, ऑलवेज फेवरेट, ये जो उल्टा है इसको तो हम पीछे से उठा के ऐसे बनाएंगे धागे को पीछे, ये जो सीधा है उसको पीछे से लेके ऐसे बना लेंगे, ओके, इसको पीछे से ऐसे करके बना लेंगे, ठीक। फिर धागा आगे, फिर ये उल्टा है, उल्टे को हम ऐसे पीछे से उठाएंगे, ऐसे पीछे से और ऐसे बनाएंगे सीधे को पीछे से। इसी इससे थोड़ा सा बॉर्डर नीट बनता है और अच्छा लगता है। इसी तरह ये जो सीधा है वो पीछे से, जो उल्टा है वो भी ऐसे बना के ये पूरी कंप्लीट करनी है, ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट सिलाई भी ऐसे ही, तीन सिलाइयों के बाद मैं दूसरा धागा शुरू करती हूँ, ये भी ऐसे। अब ये जो उल्टा है वो पीछे से उल्टा सीधा उल्टा सीधा, बस इसी तरह आपने ये बॉर्डर, ये मैं तीन सिलाइयों के बाद डिज़ाइन शुरू करने वाली हूँ। आप इसकी कम से कम 11 सिलाइयाँ डालें या 11 9 या 11 जितना आपने रखना है, उसके बाद आप इसका बॉर्डर डिज़ाइन शुरू करें। मैंने इस वाले बॉर्डर में 11 11 सिलाइयाँ डाली थी, डालने के बाद फिर मैंने डिज़ाइन को शुरू किया था। ये जब फ्रंट साइड आएगी फिर हमने इसका धागा चेंज करना है, ठीक है। यहाँ ये देखें, ये फ्रंट साइड पे मैंने ये मेरे 11 सिलाइयाँ डाली थी और उसके बाद जब बारहवीं स्टार्ट होने लगी थी तो मैंने इसका डिज़ाइन शुरू कर दिया था, ठीक। आप अगर आपने थोड़ा सा बॉर्डर छोटा करना है तो आप 9 डाल लें, जैसे आपकी चॉइस है। ये अभी 3 डली हैं और जब ये मैं इसका फ्रंट वाली रिज वाली साइड फ्रंट पर आ गई तो अब मैं धागा स्टार्ट करूँगी, ये वाला धागा। और ये जो पैटर्न है ये 6 का रिपीट है, यानी कि 2 ये होते हैं फिर 4 ये 6, ओके, 6 खाने, 6 फंदों में ये पैटर्न पड़ता है। फिर अगर आप दें फिर 6 फिर 6, ये मैंने 80 लिए हैं एक एक साइडों का और बाकी 78 जो है ना वो 6 6 करके डले हैं, ठीक है। 2 और 4 6 2 और 4 6, फिर इसको बैलेंस करने के लिए एंड पे 2, ओके, 2 डाले हैं एक्स्ट्रा। और ये बाद में वो, अगर ये 80 स्टिच की इनफ होगी, अगर आपने बड़ा इस टोपी को करना है तो आपने एवरी टाइम बड़ा करने के लिए 6 ऐड करने हैं, यानी कि अगर 80 हैं तो आप उसको 86 करोगे, 86 से भी बड़ी बनानी है तो और ऐड 92 कर लोगे, 92 से भी बड़ी एक एडल्ट साइज़ की अगर आपने बनानी है तो 92 में 6 ऐड करोगे तो 98 हो जाएंगे, जो कि एडल्ट साइज़ होगी, ठीक है ना। अगर आपने टीन, ये तो एक साल से बच्चे की है, अगर आपने टीन एजेस की बनानी है तो इसमें 92 बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 92 या 86 वो 5 6 साल के बच्चे की कर ले, वो 90 इस तरह जैसे आपने करना है। लेकिन जब भी बढ़ाना है
छः स्टिच बढ़ाने हैं, ओके। और हाँ, अब ये मैंने कर लिया, अब मुझे यहाँ मैंने धागे को ऐड करना है। धागा मैं कैसे ऐड करूँगी, इस धागे का काम ख़त्म हो गया, इसको मैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैं एक हल्की सी नोट करके, ताकि धागा लूज़ नहीं हो, ऐसे इसको धागे को ऐसे खींच लूँगी, ठीक। इसके बाद, उसके बाद हमने पहली सिलाई सारी सीधी सीधी डालनी है, ये मैं सीधा डालूंगी, ये सारी आप सीधी डाल लें जी, ये पहली सिलाई ऐसे सीधी डाल गई। अब जब उल्टी सिलाई शुरू करेंगे तो तब हमने पैटर्न को, डिजाइन को शुरू करना है। उसके लिए ये मैं पैटर्न को ऐसे, पहले ये तो ऐसे ही उठा लिया, पहले हम दो सीधे डालेंगे। पैटर्न कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मैंने ऐसे ही उठा लिया, अब दो सीधे, वन एंड टू सीधे, फिर दो उल्टे, फिर चार सीधे, फिर दो उल्टे, ये देखो, क्योंकि इस साइड पे ये सीधे हैं, उस साइड पे यहाँ उल्टे हो रहे हैं, ये जो दो उल्टे हैं यहाँ सीधे हो रहे हैं, ठीक। अब दो मैंने, फिर मैंने चार सीधे डाले जो कि यहाँ उल्टे हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर, और फिर मैंने दो सीधे, फिर दो उल्टे, और ये इसी तरह, अगर आप इसी तरह आप 80 डालोगे, इसी तरह रिपीट हो जाएगा ये, ठीक। अब हमने अगली दो सिलाइयाँ इसी तरह डालनी है, जहाँ सीधे बना डाले हैं वहाँ सीधे, जहाँ उल्टे हैं वहाँ उल्टे, ये दो उल्टे थे, ये अब दो सीधे, उसके बाद चार उल्टे, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे बनाऊंगी, जो सीधे हैं वो मैं सीधे बनाऊंगी, ये दो सिलाइयाँ ये वाली और उसके बाद उल्टी इसी तरह डालेंगी। अब ये उल्टी सिलाई भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनाएंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे। यहाँ ये दो मेरे सीधे आ गए, फिर ये दो उल्टे आ गए, दो सीधे आ गए, सॉरी चार सीधे, यहाँ ये पूरी इसी तरह कंप्लीट कर ले, ये होगी, ओके। ये तीन सिलाइयां अब ये डल गई हैं। अब मेरा तीन सिलाइयों के बाद हमने डिजाइन डालना शुरू करना है। डिजाइन में क्या है ये देखे, जैसे ये तीन तीन सिलाइयां डली हुई हैं। अब ये वाला जो एक सीधा है वो इधर चले जाना है और ये सीधा इधर आ जाना है, दो के बाद इसी तरह ऐसे इसने चेंज हो जाना है। अब ये पहले वाला तो मैं ऐसे ही स्टिच उठा लूंगी, ठीक। अब हमने देखना है कि ये दो और ये एक, तीन 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 में से हमने ये एक को उठा के इधर लेके आना है, ये इसको तीन को मैंने इधर किया, पीछे से बैक से मैंने दो उठा लिए, इसको हल्के हाथ लीव किया, इसको पिक करके फ्रंट पे ले आई, लाने के बाद अब मैंने इसको सीधा बना लिया, ठीक। और ये जो दो उल्टे मेरे इधर आए, इस साइड पे आए थे, इनको मैं उल्टा ही बनाऊंगी, वन एंड ये टू, ओके। अब ये देखिए, ये फिर सीधा है, यहाँ चार उल्टे हैं, एक ने तो इधर दो के साथ आ जाना है और ये वाला फिर इधर आ जाएगा, ओके। अभी हम फिर तीन को पिक करेंगे, इसको उठाएंगे, इन दो को हल्के हाथ लीव करने के बाद इसको करने इधर लेके आके वापस इसी सिलाई में डाल देंगे, और ये दो उल्टे हैं तो फिर मैं इनको उल्टा बनाऊंगी, ठीक। और अब ये मेरा एक सीधा, अब फिर सीधे ने इस साइड पे आना है, तीन को उठाऊंगी, दो को पिक करूंगी, और ये मैं एक सीधा ऐसे उठा लूंगी और इधर डाल,
एक दफा सीधा इधर को आएगा, एक दफा उधर को, इसको बना लूंगी ठीक। धागा आगे दो उल्टे, अब सीधा दूसरी तरफ जाएगा, अब ये सीधे ने उस तरफ जाना है, तीन उठाऊंगी सीधे को, इस हाथ से उठाऊंगी, लीव करूंगी, ये दो, और ये दो मैं उल्टे बना लूंगी, और फिर ये एक सीधा मेरा बन जाएगा। अब सीधे ने इस तरफ आना है, तीन उठाऊंगी, इसको दोनों को पीछे से उठाऊंगी, ये सीधा उठा के इधर ले आऊंगी, और ये, और फिर ये मैं सीधा बना लूंगी, और ये दो मेरे उल्टे बनेंगे। अब ने सीधे ने उधर जाना है, उठाऊंगी तीनों को, सीधे को एक को पिक करूंगी इधर, और ये इधर। ये बहुत आसान है, शायद आपको फर्स्ट टाइम, अगर आपने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाल के चीज़ें बनाई तो आपको मुश्किल लगे, आप एक या दो दफ़ा गौर से देखें और फिर सिलाइयाँ पकड़ के जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करो। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको पॉज करके दोबारा देख लो ठीक। इंशाल्लाह ये आपको एक जल्दी ही समझ आ जाएगा। अब मैंने उल्टी सिलाई, जो सीधे हैं वो सीधे डालने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालने हैं, ऐसे। ये उल्टा था, ये मेरे चार यहाँ देखे सीधे आ रहे हैं ठीक, एक दो तीन चार, ओके। अब ये देखे दो स्टिच मेरे उल्टे आ रहे, दो, फिर मैं उल्टे, इसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे बनाऊंगी, जो उल्टे हैं वो यहाँ चार वो उल्टे बना लूंगी जी, ओके। अब अगली सिलाइयाँ, अब अगली सिलाइयां, दो जो सिलाइयां हैं वो भी मैंने ऐसे ही डालनी है, जो सीधे हैं वो सीधे डालूंगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालूंगी। ये दो, एक सीधा आ रहा है मैं सीधा डालूंगी, चार मेरे उल्टे हैं मैं उल्टे बनाऊंगी, एक दो तीन एंड चार, ओके। दो सीधे आ रहे हैं, वन एंड टू, आगे चार, दो तीन चार, ओके, एक एंड दो, एक दो तीन एंड चार, एक दो, ओके, ये। अब उल्टी सिलाई भी ऐसे ही, जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं इस साइड पे वो सीधे। अब ये देखें, यहाँ मेरा पहला उल्टा आ रहा है ठीक, उल्टा आ रहा है, तो उसमें उल्टा बना लूंगी। अब चार मेरे पास सीधे आ रहे हैं, ये देखे चार मेरे पास सीधे आ रहे हैं, इन चारों को मैं एक दो तीन चार सीधे बना लूंगी ठीक। अब दो उल्टे आ रहे हैं, एक एंड दो, फिर चार सीधे, एक दो तीन चार, दो उल्टे, एक दो चार सीधे, एक दो तीन चार, एक उल्टा, और ये मेरा साइड का वैसे ही देखिए अब इतना बन गया। बस एक दफा हमने सीधों को ट्विस्ट करना है, उसकी जगह चेंज करनी है, बाकी तीन सिलाइयां जो सीधी हैं वो सीधी डलेंगी, जो उल्टी हैं वो उल्टी डलेंगी ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें, अब ये दो है ना, इसका ये वाला सीधा इधर आ जाएगा और ये सीधा इधर चला जाएगा, ये सीधा इधर आ जाएगा, यानी कि जो राइट वाला है वो राइट को मूव हो जाएगा, जो ये लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट को मूव हो जाएगा, ओके। इसी तरह ये देखें, यहाँ एक है तो लेफ्ट वाला इधर को मूव होगा, ओके। हमने ये वाली तो धागा ऐसे ही उठा के जैसे कर लिया, अब ये इसने उधर को मूव होना है, इसको मैंने अब सूट को उठाया, उठाने के बाद इसको पिक किया और ये लीव कर लिया और इसको इस साइड पे मूव कर लिया, ओके। करने के बाद ये दो मेरे उल्टे थे ठीक, इसको मैं उल्टे ही बनाऊंगी। अब ये एक सीधा है, सीधा बन गया। अब ये देखें, यहाँ पे ये इस वाले ने इस साइड को मूव हो जाना है, यानी कि थ्री की केबल है, सिर्फ एक ने
मूव होना होता है, दो जो उल्टे हैं वो वैसे ही रहते हैं। इधर मूव हुआ, सीधा मैंने बना लिया, ये आगे किया, दो मैंने उल्टे बनाए, ठीक। अब इसने उधर को मूव होना है, इस वाले ने इधर, इसको मैंने उठाया, इसको ऐसे इसको पिक किया और ये दो उल्टे, ऐसे ये सीधा, ठीक। ये अब इसने ये वाला इधर को मूव हो जाएगा, ये वाला इधर को मूव हो जाएगा, ओके। ये इसको उठा के मैंने ऐसे और ये ऐसे और ये आगे किया, फिर मैंने एक एंड दो मूव किए, ये वाले को मैं इधर मूव कर लूँगी, ये ऐसे मूव हो गया, अब ये वाला इधर मूव हो जाएगा, ठीक। और ये दो उल्टे, इसी तरह ये डिजाइन ने बढ़ते चले जाना है। अब अगली तीन सिलाइयां मैंने जो सीधे हैं वो सीधे डालूंगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालूंगी। तीन सिलाइयों के बाद फिर ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। रिपीट कैसे होगा, ये दो एक इधर को आ जाएगा, एक उधर को हो जाएगा, एक सिलाई पे बस हमने इधर उधर स्टिचेस करने हैं, बाकी तीन सिलाइयां जो सीधे हैं वो सीधे डालेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे डालेंगे, ठीक। इसी तरह आप बनाते चलेंगे जाए, जैसे कि ये मैंने बना के रखा हुआ है। ये कितने इंचेस तक बड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखें, यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ तो ये 6 इंच से हाफ 6 और 6 इंच के मिडल में है, ठीक। ये यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक। और अगर आपने इससे बड़े बच्चे की बनानी है तो एक डब्बी ये एक्स्ट्रा बना लें, 5 से 6 साल के अगर बच्चे की बनानी है तो एक डिब्बी एक्स्ट्रा बना लें, अगर उससे भी बड़े की बनानी है तो दो बना लें, और ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा होता है डिज़ाइन, जब बनाते हो डिज़ाइन तो बस थोड़ा सा उसको मैनेज करना होता है। अब हम देखते हैं कि डिब्बियाँ कितनी हैं। ये अगर मैं यहाँ से पूरी डिब्बी देखती हूँ, ये 1, 2, 3, 4 डली हैं, ठीक। ये स्टार्ट के बाद 1, 2, 3, 4 डलियाँ और यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ इसलिए कि जब हमने कटिंग करनी है, खानों को टोपी को शेप देनी है, तो कोशिश करें बस ये वाला स्टेप बन के डब्बी बनी हो, वरना वो फिर ऊपर से लंबी सी वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक। अब हम इसको शेप देना शुरू करते हैं। ये मैं ये वाला पहली स्टिच तो ऐसे उठाने के बाद इन दो को मैं उल्टा बना लूंगी, ठीक। और अब ये मैं दो सीधे जो आ रहे हैं मेरे, वो मैं सीधे ही बनाऊंगी, ठीक। अब मैं धागा आगे करके एक उल्टा बनाया, ये जो मिडल के दो हैं, ये जो मिडल के दो हैं, कोशिश ये करनी है कि डिजाइन एंड तक अच्छा लगे, ठीक, बुरा नहीं लगे। ये एंड के मिडल के दो को मैंने बना लिया और ये मैंने एक उल्टा बना लिया वैसे ही। अब दो मैंने ये सीधे वैसे ही बना लिए, उल्टा किया, फिर ये, फिर मैंने इन दो को एक कर लिया, ठीक है। और ये वाला जो मैंने, यानी कि जो चार हैं, ये जो चार हैं, इनके मिडल को मैं दो का एक कर रही हूँ, दो को एक बना रही हूँ, बाकी मैं वैसे ही बनाती जा रही हूँ, ठीक। जो सीधे हैं वो मैं ऐसे सीधे ही डाल लिए ये। अब ये उल्टा किया, अब ये दो को मैं इकट्ठा बना लिया उल्टा, अब ये ऐसे, ओके। अब ये दो सीधे, इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट करूंगी जी। ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ये दो का मैं एक करूंगी, ओके, और सॉरी ये मैं एक ऐसे ही बनाऊंगी, दो मेरे सीधे होंगे और इन दो का मैं एक कर लूंगी, ओके, और ये मेरा बंद हो जाएगा उल्टी। अब जो उल्टी सिलाई है वो हमने उसी तरह
जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे करके बना लेंगे। ये मेरा सीधा है, ये मेरे दो उल्टे हैं, ये मेरे अब तीन सीधे हो रहे हैं, तीन। बस इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है, अब मैं ये करूँगी सीधी पे। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो वैसे बना लिया, ये जो एक सीधा है और इसके साथ जो उल्टा है उनको दो का मैं एक कर लेती हूँ, ठीक। और इधर भी ऐसे ये दो का एक हो जाता है, हो जाएगा दो सीधे। अब मैं एक उल्टा, अब फिर ऐसे यहाँ दो और इधर से भी ऐसे दो, ये मैंने बना लिए और ये मेरा उल्टा, ठीक। सॉरी ये मेरा गिर गया, और ये मैंने उल्टे को ऐसे इसके साथ बनाया, एक मैंने इसके साथ ऐसे करके बना लिया, ठीक, ओके। और ये मेरा उल्टा ऐसे आ गया। अब फिर मैंने एक इसके साथ करके बनाया, एक इसके साथ बनाया और आगे धागा करके एक उल्टा बना लिया, ओके। इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने करने के बाद उल्टी सिलाई डाल ली है, ओके। अब हम ये करेंगे, अब ये हो रहा है कि ये देखें, ये पोजीशन ऐसी बन रही है कि दो सीधे हो रहे हैं, एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, ठीक। अब हम ऐसा करेंगे कि ये पहले जो दो हैं इनको तो मैं एक करके ऐसे सीधा बना लूँगी, ठीक, और एक अगला सीधा मैं वैसे ही उठाऊँगी, ठीक। इसमें एक सीधा और एक उल्टा जो है इन दो का मैं एक कर लूँगी, ठीक, और ये सीधा मैं ऐसे ही बना लूँगी, ओके। इन दो को एक कर लूँगी, ओके। ये सीधा ऐसे ही बन जाएगा, ताकि ऊपर तक यही ऐसे ओपन खुली हो, फिर इन दो को एक, ओके। ये सीधा मेरा ऐसे ही बनेगा, ओके। इसी तरह ये मेरे पूरी सकला, एक जो उल्टा है ना उसके साथ सीधे का मैंने दो कर लिया, और ये सीधा मैं वैसे ही बनाऊंगी, ठीक। इसी तरह ये इसको कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई आप सारी उल्टी उल्टी डाल ली। ये मैंने करने के बाद उल्टी सिलाई डाल ली है। अब हम ये करेंगे, इसको धागे को इतने इतना गैप रखने के बाद कट कर लेंगे, क्योंकि इसी से हमने उसको सीना भी है। करने के बाद अब मैं इस सुई में उसको डाल लूँगी, ये इसमें डल गया, ओके। अब मैं सारों को इस सुई में ऐसे परो लूँगी, ऐसे इसको मैंने परो लिया। ये देखिए, इसको परोने के बाद जब मैंने इसको खींचूंगी तो ऐसे हमारी टोपी, ये काफ़ी ऐसी फ्लेक्सिबल सी टोपी, एक साल के, अगर आपके बच्चे का हेड बड़ा है, ये एक नॉर्मल साइज टोपी है, तो आप 6 फंदे और डाल लें, 6 स्टिचेस ज़्यादा डाल लें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सीना शुरू कर दूंगी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक इधर से, एक उधर से ऐसे पकड़ के ऐसे मैं सी लूंगी, ये थोड़ा सा बड़ा ये धागा है, इतना नहीं चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेती हूँ। इतने में सिल जाएगी, नफ होगा। अब मैं बस एक इधर से पकड़ के सीती जा रही हूँ, यहाँ से
ये मैंने डिज़ाइन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये देखे कि जब ये सिलेगा तो ये पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई किधर गई सीम। अब इस तरह सीते सीते यहाँ तक आ जाए, ये देखें ये मैंने सिलाई करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। देखें आपको ज़रा भी सीम फील हो रही है कहाँ सिलाई हुई है? यही छोटी छोटी बातें चीज़ को खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने जब डिज़ाइन शुरू किया था तो मैंने इस तरह इसको तभी डिज़ाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि जब मैं सिलाई करूँ तो ऐसे पता भी ना चले। ओके, अब ये यहाँ तक तो मैंने इस धागे से कर लिया। अब अगला ये जो पोर्शन है ये मैं इस धागे से करूँगी ताकि वो धागा भी नज़र नहीं आए। इसको मैं इधर से करके धागे को अंदर ले जाती हूँ, ये बाद में हम टाई कर, और ये जो जब मैंने धागे को स्टार्ट किया था तो ये था, इसको आपस में मैं टाई कर देती हूँ। ये वाला धागा लेती हूँ, इसको ये काफ़ी बिग साइज है, मैं इसको इतना काट लेती हूँ, इतना। इसको दोनों को मैंने यहाँ पे ले एक दफ़ा नोट कर दिया, ये जो जो दो छोटे पोर्शन थे। अब ये जो थोड़ा सा बड़ा है इसको मैं सुई में लूँ, पकड़ूँगी, सुई में डाला, डालने के बाद इसको मैंने साथ साथ इसके ये स्टार्ट में मैं एक ऐसे टांका लगाऊंगी, ऐसे, ठीक। अब इसको मैं इसके साथ साथ एक दफ़ा मैं ऐसे करके ऐसे सी लेती हूँ, अगली दफ़ा मैं इसके, इसको ज़रूरी नहीं आप सुई से भी बाद में परो सकते हो, लेकिन ऐसे एक दफ़ा ऊपर को ले जाके एक दफ़ा अंदर को ले जाके मैं साथ साथ इसको ऐसे कर रही हूँ सीम, ताकि ये इनफ है। ये मैंने ये मेरा सिल गया, और मैं धागे को इधर लेके आऊंगी, और लाने के बाद ये वाली जो धागा है ये इसके साथ मैं नोट कर दूंगी और इसको काट लेंगे, और ये मेरी टोपी कंप्लीट हो गई। ये लड़कों बॉय की स्टाइल है क्योंकि इसमें मैंने बॉय के कलर लगाए हैं, सेम स्टाइल गर्ल की भी बन सकती है। ये देखिए ये इतनी ये खुलेगी, ये 1 ईयर के बच्चे के लिए ठीक होगी। ओके, ये ऊपर से ये, अगर आप इस पे पॉम्पम लगाना चाहते हो इस कलर का तो लगा ले, नहीं लगाना तो आपकी अपनी चॉइस है, और मुझे तो बच्चों के लगे अच्छा लगता है। अब ये देखिए आपको कहीं भी इस डिज़ाइन में सीम कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती नज़र नहीं आएगी, ये वाली सीम है। ओके, ये मुझे तो वैसे पम्पम लगे अच्छे लगते हैं, मैं लगाऊंगी भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर होगी, उतनी देर की इजाज़त दें, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।